वोट किसको दिया अभी तक? नहीं हम अभी बात तो सुनो, सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा काय का काम है? तो हम तो पहली बार आपकी सुन रहा हूँ, हमारे को चुनाव दो। सुना आपने, ये मध्य प्रदेश के नहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री हैं। नाम है मोहन यादव। मुख्यमंत्री भी ऐसे जिन्हें मोदी जी ने पर्ची से निकाला है, जैसे चिराग में से अलादीन का जिन निकलता है ना, ठीक वैसे ही। प्रदेश की जनता ने जब सीएम साहब से काम के लिए कहा तो पूछने लगे कि वोट किसे दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा दौरे पर थे। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि छिंदवाड़ा से सांसद है कांग्रेस के नकुल नाथ। ये पूरा इलाका लंबे वक्त से कांग्रेस का गढ़ रहा है। अब वहाँ मौजूद लोगों ने मोहन यादव से कहा कि साहब प्रदेश के साथ साथ छिंदवाड़ा का भी विकास हो जाए तो अच्छा रहेगा। इतना सुनते ही सीएम साहब बिदक गए, कहने लगे कि भैया वोट किसे दिया था? हमें तो वोट नहीं दिया, ना सांसद हमारा ना विधायक हमारा, तो काहे का काम और कौन सा काम? सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा काहे का काम? वाह सीएम साहब, कमाल के नेता निकले आप तो। साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा वाला आदमी ही ऐसी बात बोल सकता है, जो ना तो संविधान में विश्वास रखता है, ना विपक्ष में, और ना ही जनादेश में।